के साथ जाने के लिए कहते हैं कि अपन यहाँ से चलते हैं, तो उन्होंने लेके कहा कि अभी चलते हैं। तो मैंने कहा थाने में बुला रहे हैं, इनके बयान करवा देते हैं, कल रिपोर्ट करें, कल भी हमला हुआ था इनके ऊपर। तो मेरे को वहाँ भीलवाड़ा से बुलाया कि मैडम आओ, हमारी एक FIR दर्ज करवानी है। तो मैं इनकी FIR दर्ज करवाई रात को, और अभी बयान फिर बयान के लिए सुनील जी का फोन आया था, मैडम इनको लेके आओ और इनके बयान वगैरह कराने। तो मैं चित्तौड़ से आई इनको बयान कराने के लिए, मैं इनको घर से ले जा रही थी, आगे मुझे लड़के मिल गए। तो मैंने रिटर्न मेरी गाड़ी घुमाई, मैंने क्या बात वही जा रहे दिखे, तो 8-10 गुंडे आए और गुंडे आके डायरेक्ट हमला कर दिया, जेसीपी आ खड़ी कर दी। मोहल्ले में से कोई भी नहीं आया बच्चा, और उनको उस औरत के ऊपर इतनी मारपीट कर रहे। उसी तारीख में मैंने फोन किया उसी टाइम सुनील जी SI को कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो नहीं आए, 10 कॉल के नहीं आए। मैं फिर थाने में गई, SI ने मुझे कहा, CI ने, उसने अभी आप बाहर बैठो, अभी मैं मीटिंग चल रही है। उस कुत्ते को मैंने कहा था मैं कहूंगी, आप वीडियो बंद मत करो मेरा, तो इतना कुत्ता प्रशासन है क्या वो जो उस गरीब को मार रहा है? कौन लोग हैं ये? ये लोग मुझे नहीं मालूम, ये गुंडा राज चला रखा है चित्तौड़ के अंदर। इसके लीगल पेपर है और सारी दस्तावेज कंप्लीट है, सारी कंप्लीट तैयार हो गई, बना रहे हैं, जिसके अंदर इसके साथ गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। इसको कम से कम 15 दिन से हमला किया जा रहा है, लेकिन इसको कोई साथ नहीं दे रहा है। कलेक्टर के पास गई, SP के साथ गई, सिटी कोतवाल के पास गई, लेकिन प्रशासन बिका हुआ है। वो गुंडा कहता है कि हमने उनको खरीद लिया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं कल आई और उनके रिपोर्ट कराने कल आई थी भीलवाड़ा से, और आज भी उसके बयान करवाने में आई थी। लेकिन आज ये हालात है कि मैं जब थाने में पहुंची तो CIR को बोला तुम चलो, तो उसने आने से इनकार कर दिया। हाँ मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे खून खराबे हो जाएंगे, आप तुरंत से चलो, लेकिन वो नहीं आया। उसकी नहीं आने के कारण आज ये हादसा हुआ है, और आज 3 दिनों के सीरियस है, वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। ये है प्रशासन ने आपका गुंडा राज चला रखा है चित्तौड़ वालों ने, सालों ने। गुंडा राज बता देंगे क्या गुंडा राज क्या होता है? क्या नाम है आपका? रामेश्वर लाल मलिक। क्या घटना हुई है पूरी? अभी हम RCC डला के हम थाने में जा रहे थे, तो रास्ते में हमारे को नजर आ गए 20-25 जने जो मुंह बांध के जा रहे थे। हम उसके पीछे गए, उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया और JCB लाया और दीवार ढसा दी। क्या विवाद है? और कुछ विवाद नहीं, हमारा पट्टा रजिस्ट्री सब कुछ है। उसके बाद भी प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा, हमने SP कलेक्टर सबको दे दिया। उसके बाद भी जो हम अभी थाने में गए तो हमारी सुनी नहीं उन्होंने, मीटिंग करते रहे और आए नहीं, और जितने में कांड हो गया। किन किन के लगी है? मेरे भैया के और भतीजे के लगी, राह एक मोनू दीपक माली और देवीलाल माली और लाड माली मेरी सिस्टर।